अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपका भाई भी एकदम बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। गांव का मौसम है जी वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। अब जो है रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ओस पड़ती है। बाहर तो आप सो नहीं सकते हैं सेन में, अंदर रूम में सोना पड़ता है। अगर बाहर आप सोते हैं तो फिर आपको ब्लैंकेट लेना पड़ता है, ब्लैंकेट ओढ़ के सोना पड़ता है। ब्लैंकेट के बगैर आप जो है ना बाहर सेन में नहीं सो सकते हैं। तो बिल्कुल देखें माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा एक पुरसकून माहौल गाँव का। सुबह सुबह 7 बजे का टाइम और मैं बाहर खेतों में आया हुआ हूँ। आप देखें बिल्कुल चुपचाप, किसी किस्म का कोई शोर नहीं है, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें हैं और हल्की हल्की हवा का जो हल्का हल्का हवा का जो है शोर है बस। उसके अलावा बिल्कुल पुरसकून माहौल। और दरख्तों के पत्तों पे और फसलों पे जो है इस वक्त सुबह सुबह जो है शबनम, वो तो देखने लायक होती है, बड़ा ही एक बेहतरीन नज़ारा होता है। तो चलिए आपको थोड़ा सा मैं जो है ना दिखाता हूँ कि पौधों पर शबनम किस तरह आई हुई है, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये। माशाल्लाह देखें जी कितनी खूबसूरत लग रही है शबनम घास पे। कपास की फसल में मौजूद हूँ और माशाल्लाह से कपास के जो पौधे हैं उनकी हाइट मुझसे भी ज़्यादा है। ये आप देखें माशाल्लाह से, देखें जी बड़ा ही खूबसूरत व्यू। परिंदे चहचहा रहे हैं दरख्तों पे और ज़बरदस्त मंजर एक। दिल तो बड़ा कर रहा है जी अंदर जाके एक चक्कर लगवा के आऊँ, आपको फसल का कपास दिखाएं अंदर से कि कितनी कितनी हाइट है कपास की माशाल्लाह। लेकिन मजबूरी है, हल्के कलर के मैंने कपड़े इस वक्त पहने हुए हैं और जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा तो काला तेला जो है कपास के ऊपर हल्का हल्का, उसकी वजह से मेरे जो है ना कपड़े ख़राब हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल बाहर से दिखा रहा हूँ। कल रात वाली वीडियो में हमने आपको एक टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी दिखाई थी, तो आज वाली जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट है। आज इफ्तिताही मैच है उस टूर्नामेंट का जो हम देखने के लिए जाएंगे। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बादशाह की नुमाइंदगी करते हुए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैं। एक मिनट बस के तो सामना है अल्ताफ कीरिया से। कॉट बिहाइंड की अपील हुई थी और एक और खसारा, इसके बाद दिख रहे गिरते हुए विकेट्स। और बॉल पंप होने के बाद काफी हाई पकड़ रहा है, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं बॉलर। बहुत मायनास क्रिकेट
आगे हम बाइक को क्रॉस किया बॉल की और एक अच्छी बॉल पेस से बीट हुए बैट्समैन और बहुत ही अच्छा कैच जिसके साथ ही विकेट गवाई 221 चक्की टीम ने और ओवर का इख्तिताम और इनिंग्स का भी इख्तिताम। पहली इनिंग्स के अख्ताम पर 62 रन 63 का टारगेट है 6 ओवर्स में फील्डिंग साइड को। फील्डिंग साइड अब चेज के लिए आएगी और उनमें आप भी सारे फ्रेश हैं और अकबर सरला उन्होंने भी खूब साथ दिया हवा में और इसी दौरान गैप में गेम जो है वो 4 रन के लिए। इम्पोर्टेंट ओवर तीसरा ओवर अच्छी शॉट 6 रन के लिए मिड विकेट के ऊपर से मोमेंटम थोड़ा सा शिफ्ट होते हुए बैटिंग साइड की तरफ पिछली शॉट की वजह से। अच्छी शॉट फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर के पास से होती हुई 6 रन के लिए। फिर से उठा के खेल दिया है 6 रन के लिए। इम्पोर्टेंट ओवर शॉट खेला हवा में फील्डर गेंद के नीचे लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे। पहला ओवर उन्होंने तकरीबन 5 फिर से खेल दिया हवा में और गेंद फिर से तमाशाइयों में। तोड़ने में कामयाब रहे लेकिन प्रोफेशनल प्लेयर्स की तरह फ्रेंड्स 11 के कैप्टन प्लीज कमेंट्री बोर्ड के तशरीफ लाइएगा कहां सोया जाता है। इसके साथ ही मैच खत्म और बैटिंग साइड ने आराम से चेस कर लिया है 63 रन 5वें ओवर में। तो उम्मीद करते हैं जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।